दिल्ली में निवेशक सम्मेलन में सामिल हे मुख्यमंत्री उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव शिल्पपति मानक भेटी आमंत्रण करेंगे निवेशकों सहित वन टू वन आलोचना करेंगे मुख्यमंत्री मोहन माझी आगामी पांच वर्ष में पांच लक्ष कोटी पुंजनिवेश लक्ष्य रही फूड प्रोसेसिंग आईटी केमिकाल क्षेत्र में पुंजनिवेश आलोचना होगा सहित पेट्रोकेमिकाल क्षेत्र में पुंजनिवेश आलोचना होगा पुंज लगाण शिल्प प्रतिष्ठान सकारात्मक इकोसिस्टम नहीं जाना ओडिशा को शहे दिन में पैंतालीस हजार कोटी पुंजी आसी सारी उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा 2025 कनक्लेव आसंता वर्ष जनवरी रे अनुष्ठित हो। दो दिवसीय यात्रा के दौरान में विभिन्न निवेशकों के साथ वन टू वन चर्चा करूंगा, साथ ही मैं उनसे एक निवेशक सम्मेलन में भाग लेने के लिए ओडिशा आने का भी अनुरोध करूंगा। अगले साल 28 और 29 जनवरी को उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 के लिए निर्धारित किया गया है। फूड प्रोसेसिंग आईटी केमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स में निवेश को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न निवेशकों की चर्चा की जाएगी। मैं उनको ओडिशा में निवेश और औद्योगिक स्थापना के लिए सकारात्मक इकोसिस्टम के बारे में जानकारी दूंगा। हमारा लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में 5 लाख करोड़ की पूंजी आकर्षित करना है। सौभाग्य से पिछले 100 दिनों में 45 हजार करोड़ रुपये की पूंजी ओडिशा में आई है। मेरे साथी उद्योग मंत्री और विभागीय अधिकारी भी मेरे साथ रहेंगे। विद द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ टुडे आई एम एम्बार्किंग ऑन ए मिशन टू ब्रिंग रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ टू ओडिशा। उत्कर्ष मीन्स एक्सीलेंस एंड दिस उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 एंड 2026 विल टेक ओडिशा टू एक्सीलेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कारखाना प्रतिष्ठा करिया पाई समाने आगुरु मध्य प्रस्ताव देइछंती एवं अनेक थर आसिकरी मो सहित मध्य साक्षात करिकरी इंटरप्शन करिछंती समानक सहित मध्य मोर आलोचना हेछि पॉजिटिवली। एणु एबे जो मु जाउछी दि दिन धरी एठी गला परे गतकाली दिन तमाम समस्त उद्योगी एवं समस्त जो आमर विशेष करके विभिन्न देशर राष्ट्रदूत माने एवं हाई कमिशनर माने जो माने आसुचंती तांकर सहित आलोचना हबो एवं समानंकु ओडिशा आसीबा पई मध्य जहां आमर आसंता 2025 मसीहार जो जनवरी मास 28 एवं 29 तारीख रे उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 रो दि दिन धरिकी एठी भुवनेश्वर एक कार्यक्रम अच्छी तांको निमंत्रण देवा सहित एठी 5 लक्ष कोटी टंकार पुंजनिवेश करा जिबा पई तांको मु सेठी अनुरोध करिबी। संपर्क में अधिक सूचना पाई रही दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल रही गगन पांच वर्ष में 5 लक्ष कोटी पुंजनिवेश जो आज निवेशकों सहित वन टू वन आलोचना भी करेंगे मुख्यमंत्री सविशेष भाव में मतलब से तथ्य देखते कमी आकर्षित करेंगे निवेशकों ओडिशा रे निवेश करने गगन देखो नीलिमा निश्चित भाव उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव जेहेतु रही जनवरी मसरे 2025 मसीह जनवरी मस रही से अलरेडी विभिन्न स्तर में प्रयास आरंभ कर किभली भाव से कॉन्क्लेव को सफल होधिकर अधिक पुंजनिवेश राज्य को आसो निश्चित भाव से ही पड़े आज मुख्यमंत्री दिल्ली में पहुंची गत कथे आज दिन तमाम जी सेड्यूल देखिए सर्वप्रथम आईटीसी मोरिया डिप्लोमेटिक एनक्लेव से पहुंचे 10:30 मीटिंग आरंभ हम और विभिन्न लीडिंग इंफेक्टर होते जो मर खास कर दिल्ली में कॉर्पोरेट ऑफिस रही अनेक इन्वेस्टर आज बैठक में जोगदेवे और सर्वप्रथम जहां सूचना रही जे नॉर्वे जे आंबासडर रही सहित मीटिंग रही से मीटिंग की आप देखिए अपराह रही गोटाए परवर्ती पर्यायर जे जेटूर डायरेक्टर जनरल रही
ଟକ୍ସି ସୁଯୋଗ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ 15-20 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସେ ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଣି ତାଜ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାଜ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ କିଛି ଲିଡିଂ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ରହିଛି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହବ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ସେସନ୍ ହବ ବା ରୋଡ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି। ଯୋଉ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନ୍କ୍ଲେଭ୍ ହବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ରୋଡ୍ ଶୋ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସଦୁପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷ କନ୍କ୍ଲେଭ୍ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ, ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।